Okay, then, हाँ आप का, उसी है स्वागत है आपका इस सेशन में सो so, गाइस जैसा आपको पता है कि मैं में लाया हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा बड़ा चैप्टर विद ऑल द आउट देन डेरिवेटिव्स ऑप्शंस पूरा का पूरा वन आर में फ्यूचर्स पूरा का पूरा वन आर में एंड नाउ ऑन पब्लिक डिमांड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट बस ऐसे ही आपका चाहिए मुझे प्रेशियस वन आर एंड आप आई एम श्योर इसको 1.5 1.75 की स्पीड पे सुनेंगे सो यू आर गोइंग टू हार्डली टेक 40 45 मिनट्स मैक्स एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सेट हो जाएगा ठीक है जैसा मैंने बोला था आपको कि क्विक फायर रिविजन With all the concepts, तो अभी मैं जो आपको चैप्टर कराने वाला हूं again from the magic book, you can download the lectures from my uh, the book, you can say the PDF from my टेलीग्राम चैनल तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड आई थिंक उसको यूज करके आपका ये चैप्टर पे भी ग्रिप आ जाएगा बाकी यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स हाउ आर द लेक्चर्स गोइंग आपको और कौन से चैप्टर्स चाहिए कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट चाहिए लेट मी नो एंड आई एल एनश्योर दैट आई ब्रिंग इट ऑन टू यू दूसरा चीज प्लीज जो भी आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रहे हो मेरा तो बेल आइकन दबा देना बाय सो so दैट आपको नोटिफिकेशन आएगा ऑफ माई न्यू सेशन जो मैं एग्जाम तक बहुत सारे डालने वाला हूं एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को एक बार आप लाइक like करोगे ना वीडियो को तो और भी रिकमेंडेशन आएंगे मेरे ही वीडियो से कनेक्टेड जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स के लिए ठीक है सो प्लीज एनश्योर टू क्लिक बेलाइकन एंड सेकेंड प्लस अ लाइक सो दैट यू कैन गेट मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई एंड डायरेक्टली फ्रॉम द यूट्यूब चलो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट द गेम बिगेन आई आर आर एम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है इसमें से सो शुभकामना देवी के इस बात की ओर स्टार्ट आप फटाफट डाउनलोड कर लो फ्रॉम योर फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को आई आर आर एम का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्यों आया ये ठीक है दुनिया में आपको मैं आपको एक बात बता दू पूरे के पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंपनीज़ है बिजनेसिस है सब अपना बिजनेस कैसे रन करते हैं आपको पता है? बाय बोरोइंग जी हाँ वो सारे के सारे बिजनेसेस लोन लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियन बिजनेसेस टुडे टेक अन ऑर्डर टू रन दिजनेस बिकॉज अदरवाइज आदमी के पास इतना सारा वर्किंग कैपिटल कहाँ पे आएगा इतना सारा वर्किंग कैपिटल चाहिए इतना सारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करना है आपको लोन पे ही मशीनरी लेना पड़ेगा अब जब आप लोन पे लेते हो देन इन दैट केस आप इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वैसे ही ऑन द फ्लिप साइड अगर आपने अपना बिजनेस बहुत अच्छा रन किया देन इन दैट केस आपके पास आ जाएगा बहुत सारा सरप्लस अगर मेरे पास इतना सारा आया है, तो मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहूंगा मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है अगर वो फ्यूचर में फ्लक्चुएट हुआ ठीक है सो मेरे को क्या पता है क्या मैंने एक बहुत बड़ा मशीनरी इंपोर्ट किया से मैंने ये बहुत बड़ा मशीनरी इंपोर्ट किया अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसको मेरे को पेमेंट करना है चार महीने बाद तो मेरे को चार महीने बाद लोन चाहिए अब आज लोन अगर मैं लेता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट बट चार महीने बाद जब मेरा एक्चुअली ड्यू होता है पेमेंट तब मैं लेने को जा रहा हूं तो इंटरेस्ट रेट है मेरा एट परसेंट तो अब मेरे को लग रहा है कि अरे यार ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्यों? क्योंकि मेरे को सिक्स एट परसेंट देना पड़ेगा एंड ये सब बड़ा बडा सौ करोड़ दो सौ करोड़ का लोन होता है, तो है उसको फ्रीज कर लू एंड आंसर इज यस आईआरआरएम के थ्रू अपन वो ही करने वाले हैं समझ रहे सेम इज केस विद इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर हूं मेरे पास दो लाख डॉलर आने वाला है आज से प्रॉब्ली uh, 6 महीने बाद तो छह महीने बाद अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट रेट देखता हूं तो इट इज एट परसेंट छह महीने बाद अगर वो इन्वेस्टमेंट रेट फाइव परसेंट हो गया तो मेरे को तो उतना तीन परसेंट का लॉस हो जाएगा तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या मैं आज मेरे इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी फ्रीज कर सकता हूं क्या एंड द आंसर इज यस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जैसे करेंसी में अपन लोग फॉरवर्ड यूज करके करेंसी का जो रेट है से फॉर एग्जाम्पल वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी फाइव डॉलर फॉर फोर मंथ फॉरवर्ड उसको फ्रीज कर देते हैं इन द सेम वे यहां पे आप

होता है अगेन अ पार्ट ऑफ यू कैन से अ डेरिवेटिव एंड यहां पे अपना पूरा फोकस किसके ऊपर है इट इज ऑन द इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है उसको मैनेज करने का ही तो इस चैप्टर का नाम है बरकूरदार इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या रिस्क का इंटरेस्ट रेट का मैं आपको बता चुका हूं मुझे फ्यूचर में लोन लेना है तो बोरोइंग रेट बढ़ गया तो मुझे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है मेरे सरप्लस मनी को अगर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो सो so, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं आज ही फॉरवर्ड एंटर कर दूंगा ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज आई आर आर एम अब उसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं आप वो एफ आर ए के थ्रू कर सकते हो आप वो शोप्स के थ्रू कर सकते हो वो सब क्या है वो अब मैं आपको बताने वाला हूं तो फॉरवर्ड में आप क्या करते थे करेंसी के रेट्स को फ्यूचर डेट पे फ्रीज कर देते यूज बाय इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स यहां पे आप क्या करने वाले हो फ्रीजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर अ डेट इन फ्यूचर यूज बाय बोर और इन्वेस्टर ठीक है एंड उस तरह के अग्रीमेंट को कहते हैं

एंड एंड अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपको क्या डर है तो आपको डर है कि यार अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चले गया तो देन इन सच केसेस आपको यहां पे अगर आपने बोरो करना है फ्यूचर में तो आप कर सकते हो लॉन्ग एफ या बाय या प्लीज अगर लॉन्ग शॉर्ट पुट कॉल को एकदम डिटेल में समझना है मैंने डेरिवेटिव्स का ऑलरेडी सेशन अपलोड कर दिया एक एक घंटे का प्लीज उसको जाके देख लो कॉन्सेप्टअली क्लियर हो जाओगे इन जस्ट वन आवर लॉन्ग so मतलब मैं क्या ना इसे यहां पे इंटरेस्ट रेट को फ्रीज करना चाहता हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो ऊपर चले गया तो तो अब अगर मैंने इसको बाय एफआरए कर दिया तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट रेट बोरोइंग का लॉन्ग कर रहा हूं मतलब बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट फ्रीज हो गया अब अगर ऊपर भी गया मार्केट इंटरेस्ट रेट तो भी मैंने लॉन्ग एफ ये इंटरेस्ट रेट फ्रीज है एंड वाइस अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं शॉर्ट एफआर करूंगा क्योंकि मुझे डर है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चले गया तो इवन इफ द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन मैंने अगर शॉर्ट एफ किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को वही रेट मिलेगा ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड एज एफ फॉरवर्ड रेट

इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का जो एक इंस्ट्रूमेंट uh, है एफ आर एवर रेड अग्रीमेंट को यूज करना चाहता है इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ बिजनेस रिस्क तो जेन्युइनली उसने कुछ इंपोर्ट किया होगा एक्सपोर्ट किया होगा और एक्सपोर्ट किया है तो उसको लग रहा है कि यार कम यू नो इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए या उसने इंपोर्ट किया होगा तो उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए सो फॉर दैट रीजन ही इज टेकिंग अ पोजिशन इन एफ आर ए तो उसको कहते हैं हेजिंग एंड अगर आप खाली इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन के बेसिस पे पैसा अर्न करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेकुलेटर एंड अगर मार्केट इम परफेक्शन की वजह से दैट बाई थियोरिटिकल इंटरेस्ट रेट क्या है एंड एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या बेटर है उस डिफरेंस की वजह से अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज आई होप वी आर क्लियर सो अब यहां पे दो लोगों के अपने को अंडरस्टैंड करना है इंप्लीकेशन एक स्पेक्यूलेटर के एंगल से एंड दूसरा आर्बिट्रेजर के एंगल से हेजर तो बहुत क्लियर है उसने हेज किया है मतलब ही हैज उसको डर है कि मार्केट गिर ना जाए या ऊपर ना आ जाए तो वो फ्रीज करना चाहता है बट स्पेक्यूलेटर वॉन्ट्स टू तो अर्न मनी आर्बिट्रेजर वॉन्ट्स टू तो अर्न मनी तो वो कैसे होगा आइए देखते हैं सो यूर वी आर द पार्टी टू एफ आर एफ सो so, दो पार्टीज है एक है इज द पार्टी हु बोरोस टू कवर द रिस्क ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट ऑन मेचोरिटी एंड दूसरा है मेरा सेलर ऑफ एफ आर एंट्स टू कवर द रिस्क ऑफ अ फॉल ये क्लियर है अपने को हेजर जेन्युइन बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर लॉन्ग कब करेगा जब उसको बोरो करना होगा शॉर्ट कब करेगा जब उसको इन्वेस्ट करना होगा आयो वी आर क्लियर उसके बाद में आता है एफआरए फॉर अ स्पेक्यूलेटर अब स्पेक्यूलेटर खाली बोलते हैं ना उसको प्रॉफिट कमाना है लॉस हो जाता है कभी कभी तो उसके लिए वो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है नाउ दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन है मतलब आपको पता है डेरिवेटिव्स में अपन लोग ने जैसे पढ़ा है दैट वो एक चांस ले रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा ठीक है सो अगर मैं स्पेक्यूलेटर हूं मेरा कोई बिजनेस का कोई गेम नहीं है यहां पर मैं श्योर भी नहीं हो गया मैं प्रॉफिट कमाऊंगा या लॉस बट मेरे को ऐसा लग रहा है स्पेक्यूलेशन का वर्ड ही होता है मतलब ही होता है लगना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना ऊपर जाने वाला इंटरेस्ट रेट मार्केट है ना ऊपर जाने वाला है ठीक है तो मैं क्या कर दूंगा लॉन्ग एफ कर दूंगा ठीक है अब अगर मार्केट रेट ऊपर गया तो मेरे लिए तो मेरे पास तो लॉन्ग है ठीक है तो मैं तो बोरो कर सकता हूं कम अमाउंट पे मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो जो डिफरेंस है वो मेरा बेसिकली गेन हो जाएगा एंड सपोज वाइस वर्से हुआ मेरे को लगा कि यार मार्केट ऊपर जाएगा बट मार्केट नीचे गया तो अब मेरे को तो यही रेट पे बोरो करना पड़ेगा दुनिया यही कम रेट पे बोरो कर सकती है द डिफरेंस बेसिकली विल बी अ लॉस आई होप वी आर क्लियर सो दिस इज वॉट हैपेंस वेन यू लॉन्ग एफ आर ए मैं यहां पे आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं देखो अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट और फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है ठीक है सो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मेरे को मैंने क्या किया था मैंने फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट फ्रीज कर दिया था कितने पे फ्रीज कर दिया था तो देखो आप लोगों को पे दिखेगा मैंने फ्रीज कर दिया था लोग पे और मुझे लग रहा था कि यार ऊपर जाने ही वाला है और ऊपर गया आदमी लॉन्ग कब करता है बोलो लॉन्ग कब करता है एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो अप सो मेरे को लग ही रहा था इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और इंटरेस्ट रेट ऊपर गया ठीक है अब मैं तो लॉन्ग कर चुका हूँ फ्रीज कर चुका हूं दस पे अब मेरे को दस परसेंट पे ही लोन मिलेगा दुनिया को बारह परसेंट पे अपन लोन देंगे दो परसेंट मेरा ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो गया बिकॉज यहां पे स्पेक्यूलेशन है तो नोशनल अमाउंट जो भी है उसके बेसिस पे आप एक नेट सेटलमेंट करते हो ठीक है अब वो नेट सेटलमेंट कैसे होता है वो मैं बताऊंगा विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो बट समझ में आ गया कब आपको गेन होगा वैसे ही आपको लॉस भी हो सकता है आपको लगा था टेन परसेंट आपने ट्वेल्व परसेंट पे फ्रीज किया आपको लगा ऊपर जाएगा हाँ ठीक है बट एक्चुअल में एआईआर या मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट गिर गया ओ ओ तो आपको उतना फोर परसेंट का भैया लॉस भी हो सकता है ये एआईआर या को रेफरेंस रेट भी बोलता है इंस्टीट्यूट सो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो मैंने आज फ्रीज कर दिया और जब मार्केट आगे देखा तो गिर गया था मेरे को लगा था ऊपर जाएगा तो इस केस में मेरे को लॉस होगा वैसे ही लॉन्ग के जैसे ही शॉर्ट एफ भी कर सकता हूं मैं इन्वेस्टमेंट के मार्केट टू गो डाउन तो मैं क्या करूंगा मैं शॉर्ट कर दूंगा दस परसेंट के ऊपर जैसा आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं दस परसेंट पे मैंने शॉर्ट कर दिया अब अगर एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट ऊपर गया विच इज अगेंस्ट माई थॉट प्रोसेस तो मुझे हो जाएगा लॉस तो यहां पर क्चुअल इंटरेस्ट रेट मोर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मतलब अपना रेफरेंस रेट जिसको आईसीआई रेफरेंस रेट भी बोलते हैं इफ दैट इज मोर देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू मेक अ लॉस एंड वाइस ए वर्षा अगर आपने सोचा था कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा ना, actual में, वो नीचे ही गया इट इज लेस देन इन दैट केस वी विल से दैट हमने किया है

ठीक है, so मैंने फ्रीज किया था टेन परसेंट पे बट आर आर हो गया है बारह परसेंट मतलब कहना इसे रेफरेंस रेट बढ़ गया है तो रेफरेंस रेट जब बढ़ता है तो कौन खुश होता है जिसने लॉन्ग किया होता है क्योंकि मैंने तो दस पे फ्रीज किया है रेफरेंस रेट बारह हो गया आई एम so <coughs> है जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है इज मोर देन द फिक्स रेट फ्रीज रेट देन इन दैट केस जो लॉन्ग वाला है प्रॉफिट आओ यहां पर देखते हैं है, जो बायर है, वो यहां पर ही गेन एंड वाइस ए वर्षा अगर रेफरेंस रेट कम है देन इन दैट केस ऑब्वियसली बायर ओज पेमेंट टू द सेलर बिकॉज यहाँ पे जो सेलर जिसने सेल uh, किया था एफ आर ए इज गोइंग टू मेक मनी बिकॉज उसने एक्सपेक्ट किया था कि नीचे जाएगा एक्षौर और एक्चुअली नीचे गया है समझ यू एवरीबॉडी सो जो भी आपका नोशनल अमाउंट है मल्टीप्लाय बाय जो भी डिफरेंस है ठीक है एंड अगर वो आपके फेवर में तो आपको उतने डिफरेंस का गेन होगा आपके अगेंस्ट में तो उतने डिफरेंस का आपको लॉस होगा मल्टीप्लाई बाय डी टी एम बाइ डी वाई ये भी ये ना ये ये है ना ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूलाई के मॉड्यूल में फॉर्मूला एक्सैक्टली भैया तो ये वाला फॉर्मूला कैसे है सो so बेसिकली जो भी आपका नोशनल अमाउंट है भैया जो भी आपका नोशनल अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई आर आर माइनस एफ आर अब देखने का अगर आर आर इज मोर देन एफ आर देन इन दैट केस बायर

बट इसको क्या करना है पता है क्या इसको प्रेसेंट वैल्यू पे लेकर आना है प्रेसेंट वैल्यू पे रेफरेंस रेट के थ्रू लेकर आता है एक काली आप मल्टीप्लीकेशन सो वन प्लस आर आर करके मैं इसको प्रेसेंट वैल्यू पे ले आऊंगा क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चार महीने बाद का होगा और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो मुझे चार महीने बाद का पता चलेगा चार महीने बाद पता चलेगा बट मुझे तो आज पता करना है कि कितना इसका मैं ऊपर मेरे को गेन हो सकता है अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के हिसाब से मूव करता है तो तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिवाइड बाय वन प्लस आर आर इन टू थ्री बाय ट्वेल्व थर्टी डेज बाई थ्री सिक्सटी डेज जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अपर लोग यहां पे वर्कआउट कर लेंगे सो आई होप अपने को क्लियर हो गया होगा और इसको और क्लियर करने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल जो मैंने आईसीआई मॉड्यूल से ही सीधा पिकअप किया है क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम योर आईसीए उंट ऑफ रुपीज सिक्सियड ऑफ थ्री मंथ इन दमिंग सिक्स टाइम फ्रॉम नाउ अब इसका भी एक नोटेशन और वो सब होता है फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं बिकॉज उसके लिए मैं अलग से

तीन महीने बाद छह महीने बाद रेट बढ़ गया तो क्या करेंगे तो आज ही फ्रीज कर देते तो आज अगर आपको फ्रीज करना है तो फ्रीजिंग इज एट 9.3 पर तो आने वाले छह महीने के लिए आप 9.3 पर आपके लिए फ्रीज हो गया अब एक्चुअल में हुआ क्या अगर 9.6 परसेंट हुआ तो तेरा क्या होगा अरे ओ सांबा ठीक है एंड अगर 8.8 परसेंट हुआ तो एक सेकेंड वीडियो को पॉज करो सोचो जवाब दे दो और फिर मेरा यह वीडियो को कंटिन्यू करो तो लॉजिकली करते हैं पहले दिमाग लगाओ लॉजिकली देखो मैंने सोचा था कि मैंने 9.3 पे फ्रीज कर दिया क्यों क्योंकि मुझे डर है कि अगर इंटरेस्टेड ऊपर गया तो क्योंकि मैं बोरो कर रहा हूं मैं पार्कर एंड कंपनी क्या कर रहा है बोरो कर रहा है और एक्चुअल में मार्केट ऊपर गया तो इसका मतलब मेरे को फायदा हो गया पार्कर एंड कंपनी को क्योंकि right, उसने uh, basically freeze कर फ्रीज कर दिया है है ठीक क्या नाइन पॉइंट थ्री परसेंट पे उसको लोन मिलेगा बट अगर मार्केट में नाइन पॉइंट सिक्स पे मिल रहा है तो वो क्या करेगा मार्केट से नाइन पॉइंट थ्री पे उठा सकता है स्पेक्यूलेटर है तो डिफरेंस अमाउंट पे सेटल कर लेगा सो कह रहे थे जीरो पॉइंट थ्री परसेंट का उसको फायदा हो जाएगा इंटू सिक्स इंटू ड्यूरेशन कितना है ये का? So, आज से बाद तीन महीने के लिए चाहिए तो अपने को क्या ड्यूरेशन चाहिए तीन महीने के लिए चाहिए छह so, महीने बाद का जो ड्यूरेशन है वो थ्री मंथस है तो वही थ्री मंथ से फिर लोग उसको प्रसेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर एट द सेम टाइम अगर 8.8 परसेंट हो गया देन इन दैट केस मार्केट एट परसेंट पे उठाएगी मैंने फ्रीज किया हुआ है 9.3 मेरे को उतरा 0.5 का लॉस हो जाएगा सो so, अगर लॉस हो गया तो पार्कर एंड कंपनी पे करेगी प्रॉफिट हो गया तो पार्कर एंड कंपनी को पैसा मिलेगा सो so, यहां पे पार्कर एंड कंपनी को रिसीव हो गया सो so, रिसीव बाय पार्कर एंड कंपनी एंड यहां पे पेड टू पार्कर एंड कंपनी ए समझियो एवरीबॉडी सो देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं सो so, ये देखो इधर सिक्सटी क्रोर्स इन टू जीरो पॉइंट जीरो ग्रेटर देन द फॉरवर्ड रेट रेफरेंस रेट मतलब रियल में बढ़ गया सो so अगर वो है देन इन दैट केस जो बायर है जो है ही गेन्स टू ही टेंड्स टू गेन कितना फोर थर्टी नाइन फोर फिफ्टी थ्री क्लियर एवरीबॉडी मल्टीप्लाई बाय जो रेफरेंस जितने ड्यूरेशन के लिए आप लोन है so एवरीबॉडी और फिर यहाँ पे लोग देखो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे भी ले आए रेट कभी भी रेफरेंस रेट आएगा मतलब अपना एक्चुअल रेट सो यहाँ पे देखो रेफरेंस रेट इंटू डी बाई डीवाई डी टी एम डीवाई मतलब कितने ड्यूरेशन का अपन लोग ने लोन लिया है सो so अपन लोग ने लिया है थ्री मंथ्स का ड्यूरेशन का लोन क्लियर है एट पॉइंट एट में भी यही सिक्सटी क्रोड आर आर एट पॉइंट एट माइनस यहां पे है नाइन पॉइंट थ्री तो उतना मेरा लॉस हो गया इनटू डीटीएम कितने ड्यूरेशन का लोन लिया है थ्री मंथ टोटल साल में कितने मंथ्स होता है ट्वेल्व अपॉन वन रेफरेंस रेट रेफरेंस रेट मेरा एट, सो फर्स्ट केस में बैंकर विल पे पार्कर एंड कंपनी सो रिसीव बाई पार्कर एंड कंपनी एंड दूसरे केस में पार्कर एंड कंपनी विल पे द बैंकर सो यहाँ पे पेड टू पार्कर एंड कंपनी आ जाएगा सो आई होप सेटलमेंट बाय स्पेक्यूलेटर विद प्रॉपर फॉर्मला समझ में आ गया होगा नोशनल अमाउंट बोलो बोलो फटाफट मेरे साथ एकदम एक्जैक्टली आईसीआई का वर्डिंग नोशनल अमाउंट इनटू आर आर जो एक्चुअल में होने है माइनस एफ आर इंटू डी टी एम बाई डीवाई अपॉन वन प्लस रेफरेंस रेट इनटू डी टी एम बाई डीवाई

आज टुडे का जो डेट है उसको बोलते हैं ट्रेड डेट कब से चाहिए मेरे को ये छह महीने बाद लोन स्टार्ट होना चाहिए तो डेट ऑफ स्टार्टिंग और इन्वेस्टमेंट डेट कितने महीने के लिए चाहिए तीन महीने के लिए चाहिए लोन ड्यूरेशन पीरियड फॉर विच लोन और इन्वेस्टमेंट इज डन कब तक उसको बोलते हैं मेच्योरिटी लोन एंड डेट और सेटलमेंट डेट से तीन महीने के लिए चाहिए तो टोटल आज जो डेट है तब से छह महीने के बाद तीन महीने का लोन चाहिए सो टोटल ड्यूरेशन हो जाता है नाइन मंथ्स ए समझू एवरीबॉडी सो ये ट्रेड डेट लोन स्टार्ट डेट लोन ड्यूरेशन लोन एंड डेट आई होप समझ में आ गया होगा अब यहां पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया मिस्टर वॉरन बफे नाम तो सुना होगा मिस्टर अ लोन आफ्टर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ नाइन मंथ ठीक है आज उसको लग रहा है कि मेरे को तीन महीने बाद लोन की जरूरत पड़ेगी कितने टाइम के लिए नौ महीने के लिए हाउ कैन ही एंटर इन टू एफ आर ए सो आज का डेट तीन महीने बाद हो जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च का था तो फर्स्ट अप्रैल लोन ड्यूरेशन नाइन अप्रैल तो से लेकर दिसंबर तक लोन एंड होता है मेरा मंथ्स में विल बी ऑफ़ आ, समझ में आ गया सबको? So, 3 12 FRA. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया तीन महीने बाद तीन महीने बाद लोन चाहिए कितने ड्यूरेशन का प्लस नाइन सो ये थ्री प्लस नाइन टोटल कितना हो गया थ्री बाय ट्वेल्व रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको थ्री बाय ट्वेल्व ये जो थ्री बाय ट्वेल्व है जो जो बीस का पार्ट है वो ड्यूरेशन जिसके लिए आपको लोन लेना है जब से लोन स्टार्ट होना चाहिए थ्री जब टोटल आज

एट बायन परसेंट सो थ्री महीने बाद मेरा लोन स्टार्ट होगा फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नाइन टोटल टुडे डेट से लेकर बारह महीने बाद ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा एट परसेंट बताता है बोरोइंग रेट सॉरी इन्वेस्टिंग रेट इलेवन परसेंट बताता है बोरोइंग रेट एज यूजल द लोअर रेट इज ऑलवेज फॉर इन्वेस्टमेंट हायर रेट इज ऑलवेज फॉर ट करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता है इसका मतलब होता है एग्जैक्टली exactly कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए और अगर अपने को कम में मिल रहा है तो अपन उसका फायदा उठाएंगे किस में आर्बेट राज में हेजिंग आपको बता दिया स्पेक्यूलेटर कैसे नेट सेटलमेंट करता है आपको बता दिया अब धीरे धीरे अपन लोग जा रहे हैं आर्बिट्राज की तरफ बट आर्बिट्राज वाला दिमाग में यूज करूं उसके पहले मुझे आना चाहिए थियोरेटिकल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन सो होगा क्या पता है क्या आपको बैंक के स्क्रीन पर दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट फॉर थ्री मंथ्स फ्रॉम नाउ इंटरेस्ट रेट फॉर थ्री मंथ्स आफ्टर थ्री मंथ्स सो ये सब आपको दिया हुआ होगा Whose basis pay ideally interest rate on the That basically is called as theoretical FRA rate. So theoretical FRA rate means ideal rate that should be quoted by the bank for a particular borrowing or investing based on the given information. Based on the given information for months and years. So if interest rate after eight months is to be calculated and interest rate for five months. एंड नेक्स्ट थ्री months इज अवेलेबल then theoretical इंटरेस्ट रेट फॉर एट months कैन be कैलकुलेटेड तो so ideally, आज से आठ महीने बाद का अगर कुछ लेना है लोन तो इतना ही होना चाहिए बट अगर नहीं है तो इसका मतलब उठाएंगे आर्बिट्राज करेंगे हाउ टू इंटरप्रेट बैंक कोड फॉर एफआर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना सेवन बाई इलेवन एफ आर ए को आप लिख सकते हो कैसे कि सात महीने बाद चार महीने के लिए लोन चाहिए मैं आज पे खड़ा हूं टूडे डेज सेवन बाईलेवन एफ आर ए मीन सात महीने के बाद लोन लेने वाला हूं फॉर अ पीरियड ऑफ फोर मंथ टोटल आज से लेकर ग्यारह महीने तक सेटलमेंट हो जाएगा अब इसमें अगर मेरे पास सात महीने फर्स्ट चार महीने वाला डेट है उसके बाद के सात महीने वाला डेट है तो आइडियली ग्यारह महीने बाद का रेट क्या होना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो सो बेसिकली सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू इलेवन बस यहाँ पे वही करना है बट वन प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर इलेवन मंथरेस्ट रेट फॉर इलेवन मंथ इंटू इलेवन बाइ टर्स्ट फोर मंथ इंटू 12 बाय प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर मंथ करके आइडियल आपको रेट मिल जाएगा उसको कहते हैं थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट बट ये अगर चीजें मंथ्स में हुई तो अगर इयर में हुआ तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है कैसा होता है एफ इंटरेस्ट रेट फॉर वन ईयर एट जीरो मतलब आज की तारीख में अगर मेरे को एक साल का लोन चाहिए देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज एफ वन जीरो एफ टू जीरो भी अपने को समझ में आता है फॉर टू ईयर मेन अगर एफ वन थ्री और एफ टू वन समझ गए ना तो गेम क्लियर है अपना एफ वन थ्री मतलब इंटरेस्ट रेट फॉर वन ईयर बट स्टार्टिंग आफ्टर थ्री इय एफ टू वन मतलब इंटरेस्ट रेट फॉर टू ईयर्स बट आज स्टार्ट नहीं होगा वो लोन वो लोन एक साल बाद स्टार्ट होगा सो so, एक साल बाद लोन स्टार्ट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टू मंथ टोटल ड्यूरेशन थ्री हो गया यहां पे देखो यहां पे देखो सो so, अगर मेरे को एफ टू वन प्लॉट करना है तो एफ टू वन क्या है एक साल के बाद दो साल का रेट एक साल के बाद दो साल के लिए बोरो करने का रेट अगर थ्री टू यूज किया है इसका मतलब क्या दो साल के बाद तीन साल का इंटरेस्ट रेट देखो ना ये सेम चीज यहां पे क्या था टू वन तो टू क्या है दो साल के लिए यहां पे क्या है थ्री टू थ्री मतलब तीन साल के लिए कब आफ्टर टू इयर्स आफ्टर टू इयर्स तो इसके लिए रिप्रेजेंट कैसे होता है एफ थ्री टू समझ में आ गया एवरीबॉडी तो देखो ये है ना इसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करता हूं देखो अगर लिखा है अपने को एफ टू जीरो कैलकुलेट करना है एफ वन टू सबसे पहले तो भैया एफ वन टू का मतलब क्या होता है ये बताओ ठीक है सो एफ वन टू अगर है तो इसको एक टाइम लाइन पे अगर मेरे को डालना है देन इन दैट केस व्हाट इज इट एक साल के लिए मुझे लोन चाहिए बट अभी नहीं दो साल बाद so, यहां पे एफ वन टू का मतलब क्या होता है लोन लोन फॉर वन ईयर आफ्टर टू इयर्स। अब ऑब्वियसली आप लोग के पास अगर नोट्स होंगे तो ये आप लोग देख लोगे एंड सेम चीज करते जाओगे तो आइडिया आ जाएगा कैलकुलेट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है वो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है So, यहां पे देखो क्या बोला है ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है मेरे को लोन कब चाहिए मेरे को लोन कब चाहिए मेरे को लोन चाहिए फॉर वन ईयर बट आफ्टर टू इयर्स मतलब कहना है इसे अपन लोग बेसिकली ये वाला ड्यूरेशन देख रहे हैं करेक्ट सो so, मेरे पास एफ थ्री जीरो है मेरे पास एफ टू जीरो है मैं देखो क्वेश्चन में देखो एफ थ्री जीरो दिया हुआ है मैंने बराबर है मेरे पास एफ टू जीरो है क्या नहीं से ये हो गया बराबर है सो ये मेरा एफ टू जीरो सकता हूं भाई एफ थ्री जीरो इज इक्वल टू एफ टू जीरो इन टू एफ वन टू ये कहना से मेरा एफ वन टू है समझ रहे हैं बस आपके पास यहां का इंटरेस्ट रेट है कितना इंटरेस्ट रेट है आपके पास यहां का नाइन पॉइंट टू फाइव तो 1.0925 इक्वल टू आपके पास एफ टू जीरो का इंटरेस्ट रेट है कितना 9 परसेंट तो 1 प्लस इन टू बस आपका एफ वन टू जो है एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा क्लियर एवरीबॉडी सो ये रहा बट एक खाली सिचुएशन है कि ये तो तीन साल के बाद का है बराबर है ये तो दो साल के बाद का है तो so, यहां पे अपने को करना पड़ेगा रेस टू थ्री यहां पे करना पड़ेगा रेस टू टू एन यहां पे करना पड़ेगा रेस टू वन हाँ, हाँ। यहां में आ गया और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियर समझो यहां पे मेरे पास एफ वन जीरो दिया हुआ है एट परसेंट एफ टू जीरो दिया हुआ है नाइन परसेंट मेरे को फाइंड आउट करना है एफ वन वन एफ वन का मतलब क्या होता है एक साल के बाद का एक साल का इंटरेस्ट बराबर है सो so, इसको अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं तो इट विल बी जीरो वन वन इट विल बी जीरो वन टू एक साल के बाद एक साल के लिए इंटरेस्ट चाहिए एफ वन वन मेरे को क्वेश्चन में वो लोग लो ने एफ टू जीरो दे दिया है मेरे को क्वेश्चन में वो लोग लो लो ने एफ वन जीरो दे दिया है so, can I say, अब मैं निकाल सकता हूं एफ टू जीरो इन टू एफ समझ एवरीबॉडी बस हो गया काम वन प्लस एफ टू जीरो का देखो कितना इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है एफ टू जीरो का दिया हुआ है नाइन परसेंट जीरो पॉइंट जीरो नाइन कितने साल के लिए दो साल के लिए रेस टू टू यहां पे कितने साल के लिए था तीन साल के लिए था रेस टू थ्री हुआ

एंड लास्ट और एक एग्जाम्पल है थ्री वी फाइव सो यहां पर देखो बोरोइंग फॉर टू ईयर्स सॉरी आफ्टर थ्री ईयर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग F23 के जैसे सो इंटरेस्ट रेट फॉर टू ईयर्स आफ्टर थ्री ईयर्स तीन साल के बाद जो फर्स्ट होता है ना वो ड्यूरेशन है कितने ड्यूरेशन के लिए आपको लोन चाहिए और उसके बाद वाला कब स्टार्ट होगा सो so, F23, कब स्टार्ट होगा थ्री इयर्स के बाद ड्यूरेशन कितना टू समझ में आ गया अब ये आपको दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे वही होना चाहिए आपका थियोरेटिकल रेट सेम वे में सेम वे में अगर मेरे को मंथ्स का कैलकुलेट करना है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मंथ्स का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर बाय सेवन एफ आर ए सो इसका मतलब क्या हुआ सो so मेरे को सेवन मंथ्स का यहाँ पे देखो मेरे को मेरे पास सेवन मंथ्स का डिटेल्स है फोर मंथ्स का डिटेल्स है मेरे को समझो थ्री मंथ्स का चाहिए तो वन प्लस से जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो फोर इन टू वन प्लस जीरो जो सेवन सेवन परसेंट बेसिकली फॉर इंटरेस्ट रेट फॉर सेवन मंथस ट्वेल्व परसेंट ये कितने टाइम के लिए है मेरे को कितना सेवन मंथ्स के लिए चाहिए ये तो पढ़ा है ना मैं बट मेरे को चाहिए सेवन मंथ के लिए तो इन टू क्या कर दूंगा मैं सेवन बाय ट्वेल्व सो वन पॉइंट So, यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं कि भाई सेवन मंथ्स का इंटरेस्ट इज इक्वल टू फोर मंथ्स का इंटरेस्ट प्लस मल्टीप्लाई बाय थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट फोर मंथ्स का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय थ्री मंथ का इंटरेस्ट एक समझियो एवरीबॉडी अब सेवन मंथ का इंटरेस्ट कैसे होगा वन प्लस कोसेंट वन प्लस एक साल का है जीरो पॉइंट वन टू सेवन मंथ्स का कितना मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन डिवाइड बाय ट्वेल्व इक्वल टू फोर मंथ का कितना देखो 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 फोर मंथ का ऐसे सो जो बच गया जो बच गया वो मेरा बैलेंसिंग फिगर है एंड ये बैलेंसिंग फिगर गाइस क्या बोला मैं ये बैलेंसिंग फिगर ज वॉट इज माई थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट फॉर दिस थ्री मंथ इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट आई होप समझ में आ गया होगा चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर एंड दैट इज आर्बिटराज ये जो इतना मैं मेहनत कर करके थोरेटिकल इंटरेस्ट रेट समझा रहा हूं ना वो एक ही रीजन के लिए है क्योंकि मुझे चाहिए कि आपको ये आर एफ आर ए समझ आ, ज में समझ में आ जाए अगर थियोरेटिकल फ्यूचर इंटरेस्ट रेट और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मैच नहीं होता है देन इन दैट केस आर्बिट्राज आएगा जैसा अपन लोग ने डेरिवेटिव्स के फ्यूचर्स में किया था व्हेन फ्यूचर प्राइस वाज नॉट इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर प्राइस याद कॉस्ट टू कैरी मॉडल कॉस्ट टू कैरी मॉडल के हिसाब से स्पॉट इनटू इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड तो वो मैच होना चाहिए बराबर है बट थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जब मैच नहीं होता है अपन ने आर्गिट्राइज किया था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मैच नहीं होगा देन इट विल गिव राइज टू आर्बिट्राज आर वी क्लियर एवरीबॉडी मेरे पास ये एग्जांपल है जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी देखो यहाँ पे मंथ का इंटरेस्ट रेट दिया है 5%, देख दम आप लोगों को के साथ में समझा देता हूं तो आप लोगों को क्लैरिटी रहेगा सिक्स मंथ का इंटरेस्ट रेट दे दिया है फाइव परसेंट ट्वेल्व का इंटरेस्ट रेट दे दिया है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट सो आज से छह महीने का मेरे को दे दिया है फाइव परसेंट एवरीबॉडी आज से बारह महीने का मेरे को इंटरेस्ट रेट दे दिया है से साढ़े छह परसेंट आप मेरे को बताओ अगर मेरे पास यहां पे ये छह महीने का रेट अवेलेबल है और ये बारह महीने का रेट अवेलेबल है मतलब ये छे महीने का रेट अवेलेबल है फाइव परसेंट ये बारह महीने का रेट मेरे पास अवेलेबल है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट क्या आप अब ये सिक्स मंथ का कैलकुलेट कर सकते हो क्या द आंसर इज यस जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना दिस विल बी कॉल्ड एज थियोरेटिकल इंटरेस्ट रेट समझ में आया वो मैंने यहां पर देखो सॉल्व किया है वन प्लस ट्वेल्व मंथ का इंटरेस्ट रेट इंटू ट्वेल्व बाई ट्वेल्व क्योंकि इंटू ट्वेल्व बाई ट्वेल्व क्यों सीधी सी बात है क्योंकि पूरे साल का है सो so, यहां पे मैं बोलूंगा भाई 12 मंथ्स का इंटरेस्ट is equal to six months ka interest multiplied by six months ka interest. ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा बराबर है अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ट्वेल्व मंथ का इंटरेस्ट रेट वन प्लस कितना दिया है ट्वेल्व का सिक्स तो 12 12, मंथ का भी दे दिया है तो कितना दिया है वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव बट ये खाली छह महीने का इंटू अपने को मिल जाएगा वन प्लस एक्स इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व आइडियली जो मेरा एक्स इसको मैं सॉल्व करता हूं तो आता है सेवन पॉइंट एट परसेंट सो आइडियलीट शुड बी सेवन पॉइंट एट परसेंट बट अगर वो मैच नहीं हो रहा है देन इन दैट केस वी विल से आर्बिट्रज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ए समझी गुड तो भाई आइडियली तुम्हारा इंटरेस्ट रेट आना चाहिए इसको सॉल्व करके सेवन पॉइंट एट परसेंट करो करो ट्राई करो तो एक्स आना चाहिए मेरा सेवन पॉइंट एट परसेंट सो इंटरेस्ट रेट आफ्टर सिक्स फॉर सिक्स मंथ्स जो अपना ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है थियोरेटिकली फॉर्मूला से आना चाहिए सेवन पॉइंट एट परसेंट बट मुझे यहां पे दिख रहा है सिक्स बाय ट्वेल्व एफआर मतलब छह महीने के बाद छह महीने के ड्यूरेशन का एफआर रेट 6.527 6.75% तो मुझे बोरो करना है तो 7.8% आइडियली होना चाहिए बट यहां पे 6.75% का मेरे को बोरोइंग रेट मिल रहा है इसका मतलब अगर थियोरेटिकल रेट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल इंटरेस्ट रेट देन आर्बिट्राज इज पॉसिबल तो चलो आओ करते हैं आर्बिट्राज तो सबसे पहले स्टेप्स टू यूज आर्बिटराज कैसे करोगे आप ये आर्बिटराज को कब करेंगे समझ में आ गया आपको समझ में आ गया आपको अब थ्योरिटिकल इंटरेस्ट रेट नॉट इक्वल अब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट कितना है मेरा सिक्स पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैं थ्योरिटिकल इंटरेस्ट रेट आया है मेरा सेवन पॉइंट एट परसेंट एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मेरा आया है सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट सो इन सच सिचुएशन डेफिनेटली आर्बिट्राज होएगा ही होएगा ठीक है अब योर टी आई आर इज गुड ग्रेटर देन ए आई आर एंड टी इज ग्रेटर देन ए तो अभी आपको क्या करना है आज की तारीख में ध्यान से सुनना इसको आज की तारीख में आपको छह महीने के लिए बोरो करना है क्यों छह महीने के लिए क्योंकि छह महीने के बाद एफ का डेट स्टार्ट हो जाएगा और एफ का रेट मेरे को सस्ते में मिल रहा है आइडियली जो चीज मेरे को 7.8% पे मिलनी चाहिए थी वो मेरे को अब 6.75% पे मिल रही है तो एफआरए के डेट पे तो मैं एफआरए वाला ही लोन लूंगा 6.75% का पर तब तक क्या तो तब तक तब तक मेरे को और दूसरा एक लोन लेना पड़ेगा तब तक मेरे को दूसरा और एक लोन लेना पड़ेगा ये लोन क्यों ले रहा हूं मैं एफआरए के डेट तक सो so दैट वो लेके मैं उसको इन्वेस्ट कर दूं समझ रहे हो तो आज मैं लोन ले लूंगा छ महीने के लिए आज मैं लोन ले लूंगा छह महीने के लिए और उसको इन्वेस्ट कर दूंगा यह जो लोन ले रहा हूं मैं वो महीने के लिए जब तक मेरा का इंटरेस्ट का डेट स्टार्ट नहीं होता है पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो मैं मच्योरिटी तक कर रहा हूं वो मैं मच्योरिटी तक कर रहा हूं समझ में आया सो जो आज मैं लोन कर रहा हूं तो यहां पर देखो मैं बोरो करूंगा एफ आर ए डेट तक एफ आर ए का डेट कब तक है छह महीने तक है एट द रेट छ महीने का रेट छह महीने का रेट कितना है सी लुक महीने का रेट इज यहां पे मैं छह महीने के लिए फाइव परसेंट ये गलती से फिफ्टीन लिखा यहां पे छह महीने के लिए मैं फाइव परसेंट के रेट पे बाय करूंगा गाइस कब तक टिल एफ आर ए लोन स्टार्ट और फिर एफ आर ए का लोन उठाऊंगा कब तक टिल मेच्योरिटी तो यहां पे ये एक लाख प्लस पांच परसेंट छ महीने के लिए तो एक लाख दो हजार पांच सौ है ऑन द एफ आर ए डेट वन लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का बोरो करूंगा ये जो मैंने फर्स्ट डे पे बोरो किया था उसको रीपे कर दूंगा तो ये बात एंड ये वाला जो एफआर के दिन पे लिया है उसका सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा रिपे कर दूंगा मेच्योरिटी पे फर्स्ट डे पे जो पैसा बोरो किया था उसको इन्वेस्ट कर दिया था उसका जो पैसा आएगा वो मेरे लिए विद इंटरेस्ट इनफ्लो हो गया एंड जो डिफरेंस है प्यार से उसको कहेंगे बेट राज तो क्या क्या हुआ है ना तीन चीजें हुई कब वेन टीआईआर थियोरेटिकल इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बेटा तीन चीजें हुई पता है क्या आज के दिन पे जिसको अपन कहते हैं टुडे मैंने आज ही के दिन पे आ, मैंने आज ही के दिन पे बोरो कर लिया टिल एफ आर डेट सो बोरो किया कब तक बोरो किया एफ आर ए डेट तक जो भी बोरो करूंगा ऑन द स्पॉट उसको इन्वेस्ट कर दूंगा कब तक ये टिल मच्योरिटी ये बोरो कब तक किया ये एफ आर ए डेट तक किया फिर एफ आर ए डेट के दिन पे वापस करूंगा कितना बोरो करूंगा फर्स्ट डे पे जो मैंने बोरो किया था प्लस इंटरेस्ट ली पे हो जाए बस उतना तो अपने एग्जांपल में वन लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक लाख का पांच टके के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना था सो इट वर्कडउट टू वन लाख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड समझ में आया ये वाला जो पैसा है एफआर डेट पे जो बोरो कर रहा हूं वो मैं रीपे कर दूंगा एक लाख दो हजार पांच सौ मेच्योर चलने दो इन्वेस्टमेंट जो है मेच्योरिटी तक चलने दो इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट का जो इनफ्लो है ये वाला जो आउटफ्लो है दोनों को माइनस करोगे आपको मिल जाएगा रिवर्स हुआ एंड अगर रिवर्स हुआ देन इन दैट केस तो देखो यहां बोरो किया इमीजिएटली क्या कर दिया आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड अगर उल्टा हुआ से थ्योरेटिकल इंटरेस्ट रेट

पड़ेगा अपने को रिवर्स ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा इन द सेंस आप बोरो करोगे पे आप फर्स्ट डे पे बोरो करोगे बट कब तक ऑफ एफ आर ए इन्वेस्टमेंट मतलब एंड तक एंड तक आप बोरो करोगे अब आपको क्या हो रहा है बताया है कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है बराबर सो ऑन द डेट ऑफ एफ आर ए यू विल इन्वेस्ट देखो 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 मैं इसका भी आपको system process बताता हूं। देखो, यहाँ पे आपको बताता पे पे दो दो बार बार करना है। है? है। आपने दो बार किया था। पूरा है क्या है? FRA date का है. FRA date को जब इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर ऑफ थल इंटरेस्ट रेट मतलब मेरा इंटरेस्ट रेट कम है तो मेरे को दो बार बोरो करना है एक फर्स्ट डे पे और एक एफ आर ए डेट पे पे उल्टा हो रहा है मै थियोरेटिकल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन मै एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो मुझे दो बार इन्वेस्ट करना है एक मैं फर्स्ट डे पे टूडे मैं क्या करूंगा बोरो करूंगा बट ये जो मैं बोरो करने वाला हूं मेच्योरिटी तक चलेगा ये जो बोरो करने, करने वाला हूं मैं मेच्योरिटी तक चलेगा बट ये बोरो करके मैं इन्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट कब तक करूंगा एफ आर ए डेटक ठीक है इस दिन पे जो पैसा मिलेगा उस दिन वापस इसको री इन्वेस्ट करूंगा टिल मेच्योरिटी तो यहां पे मेरे पास तो ये देखो ये ये इन्वेस्ट किया हुआ डेट पे जितना भी पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों पूरा का पूरा मैं मेच्योरिटी तक इन्वेस्ट कर दूंगा जैसे ही मैंने वो पूरा का पूरा मेच्योरिटी तक इन्वेस्ट किया मेरे को मिल जाएगा आर्बिट्राज गेन

या उसकी वजह से एफ आपका कैसा सेट हुआ है या आर्बिट्राज अब अपन लोग आ रहे हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर दैट बेसिकली इज कॉल्ड जी जो अपने को आ, देखा हुआ अपन लोग ने इन द मूवी नहीं देखा नहीं है मतलब जिसमें अक्षय कुमार ने स्वॉप्स की बात की थी कुछ और स्वाप था अब यहां पे जो स्वाप है वो है इंटरेस्ट रेट स्वाप एंड करेंसी का स्व इंटरेस्ट रेट स्वाप क्या होता है कि आपका अगर फिक्स रेट स्वॉप है आई मीन फिक्स रेट का आपका लोन uh, है और आपके कोई दूसरा कोई पर्सन है जिसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन है आप स्वॉप कर सकते हो बट ऐसा कोई क्यों करेगा ऐसा कोई क्यों करेगा कि मेरा फिक्स्ड है मैं फ्लोटिंग ले लेता हूं उसका फ्लोटिंग है वो मेरा फिक्स ले, ले लेगा वो इसलिए करेगा बिकॉज सिंपल रीजन बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेस जो फिक्स वाला है उसको लग रहा है भाई अभी तो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने वाला है तो अपन लोगों ने तो फिक्स कर लिया है अब अगर नीचे गिरेगा तो अपने को तो फायदा होगा ही नहीं और फ्लोटिंग वाला क्यों फिक्सा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो अगर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अपने को तो नुकसान हो जाएगा फ्लोटिंग में तो बट सर ऐसा कैसे सेम मोमेंट पे दो तो अलग अलग थॉट प्रोसेस क्यों हो सकते हैं अरे हो सकते हैं ना भाई जब शेयर मार्केट में भी आप कुछ चीज को बाय करते हो देन इन दैट केस इसका मतलब सामने वाला सेल कर रहा है ना सामने वाला क्यों सेल कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट गिरेगा आप क्यों बाय कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है नहीं नहीं यहाँ से ऊपर जाएगा एंड से वर्षा जब आप सेल करते हो कोई बाय कर रहा रहा है है उसको लग ऊपर जाएगा आपको लग रहा है नीचे जाएगा ए भाई समझ गड़ी भी बड़ी तो वैसे ही फिक्स वाले को लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है तो मार्केट नीचे जाएगा मैं तो फिक्स का फिक्स में रह जाऊंगा काश मेरे पास फ्लोटिंग होता फ्लोटिंग वाले को लग रहा है अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है काश मेरे पास फिक्स होता एंड दे विल क्रिएट विलो They will create a swap. So, here, interest rate swap is what we are talking about. सेम वे में करेंसी सॉप भी होता है वो भी बताऊंगा बट पहले उसके पहले इंटरेस्ट रेट सॉप का ये एग्जांपल देख लो एग्जांपल से जो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा ना सिस्टम प्रॉब्लम ही नहीं आएगा तो अभी ये एबीसी कंपनी है इसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है कितना रेट है लाइबर प्लस टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट जेड का फिक्स इंटरेस्ट रेट है कितना इंटरेस्ट रेट सिक्स परसेंट यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू गो अप तो इसके है काश मेरे पास फिक्स होता दे आर एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन मेरे पास फ्लोटिंग होता कर लो, कर लो क्या रेट पे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन अरेंज करवाता है बताया एक मर्चेंट बैंकर

3.6 परसेंट के हिसाब से पे करेगा एक्स जेड फ्लोटिंग के हिसाब से लाइबोर रेट प्ले करेगा अब होता क्या है देखते हैं इससे किसको फायदा किसको नुकसान हाउ विल दर्क इफ लाइबोर बिकम थ्री पॉइंट 3.5 परसेंट मतलब लाइबोर गिर गया अगर लाइबोर गिर गया देन इन दैट केस किसको फायदा होगा जो फ्लोटिंग वाला है, है ना तो so, अभी देखो इधर क्या होगा अभी ध्यान से समझना एबीसी का फ्लोटिंग था उसने फिक्स्ड में कन्वर्ट करवा दिया XYZ का फिक्स था, उसने फ्लोटिंग में कन्वर्ट करवा दिया एट द रेट लाइबॉर परसेंट अब देखो इधर एबीसी जो है पहले पे कितना पे करता था फ्लोटिंग इंटरेस्ट लाइबॉर प्लस टू हंड्रेड आज कितना पे करेगा थ्री पॉइंट सिक्स तो एबीसी का जो उसने लोन लिया हुआ है उसका पैसा कौन देगा उसका पैसा देगा एबीसी को एक्स वाई जेड अब यहां पे देखना एबीसी को मिलेगा रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वाई जेड कितना जो वो लोग ने क्या पे अग्री किया है कि भाई एक्स वाई जेड एबीसी को लाइबॉर परसेंटेज देगा दे दिया ठीक है अब एबीसी खुद पे भी तो करेगा कितना फिक्स्ड जो उसने थ्री पॉइंट सिक्स सोच के रखा है ओके okay, तो ये स्व अरेंजमेंट हो गया अब अपने इंडिविजुअल जो बैंक है जिससे लिया है उससे तो जितने का लिया हुआ ओरिजिनली वो उसको पे करना ही पड़ेगा तो वो अपने यहां पे पे कर दिया सो माइनस थ्री पॉइंट सिक्स क्योंकि वो एबीसी uh, ने फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट करवा दिया अपने आपको तो उसने अपने आपको थ्री पॉइंट सिक्स पे फ्रीज कर दिया है नो टेंशन लाइबॉर उसको मिला एक्साइज से वो फ्लोटिंग वाला है और खुद के लेंडर को आपको माइनस एल माइनस टू मतलब लाइबॉर प्लस टू आपको पे करना ही है सो वो आपने पे कर दिया। जब आप नेट देखोगे तो माइनस थ्री पॉइंट -2% माइनस टू परसेंट क्योंकि वो आपका है, प्लस टू पता आपका आउटफ्लो है तो आपके जेब से तो माइनस एल भी गया माइनस टू भी गया एल एल माइनस हो जाता है यहां पे बच जाता है माइनस फाइव पॉइंट सिक्स और ये इसका फिक्स रेट ही रहेगा जब लाइबर फाइव परसेंट हो गया ना तो भी तुम लोग देखो एबीसी का फिक्स्ड पे ही है क्योंकि एबीसी ने भाई साहब ने अपने आप को फ्लोटिंग से कन्वर्ट करवा दिया है सॉरी फ्लोटिंग से कन्वर्ट करवा दिया है फिक्स्ड रेट में ए गए। और और हमारा को देखो XYZ को देखो तो एक्सवाई जेड ने बोल दिया है कि भाई देखो मैं तेरे को एल दूंगा मैं तेरे को लाइबोर परसेंटेज दूंगा उसने दे दिया लाइबोर परसेंटेज उसको 3.6 मिल रहा है एज अ स्वॉप अरेंजमेंट जैसे इसको एल मिला था वैसे इसको 3.6 मिल रहा है और जो ओरिजिनल अपने बैंकर को देना है वो तो देना ही है इसका हो गया 5.9 परसेंट so, सो इस केस में 5.9 परसेंट गया एक्स वाई जेड का 5.6 गया एबीसी का अगर राइवर हो जाता है 5 परसेंट देन इन दैट केस भी एबीसी का जाता है फाइव पर अब एक्सवाइड का बिकॉज लाइव इतना बढ़ गया है देगा। क्यूं? वो खुद वाले को सिक्स देगा सामने से उसको 3.6 मिलने वाला है और खुद उसको L देना है एज पर स्वॉप अरेंजमेंट तो ये दोनों जो फर्स्ट दो है ना ये पूरा का पूरा है एज पर स्वॉप अरेंजमेंट ये दोनों है एज पर स्वॉप अरेंजमेंट यहां पे भी ये देखो ये दोनों क्या है एज पर स्वॉप अरेंजमेंट और तीसरा वाला पेमेंट क्या है ओरिजिनल सो पे फिक्स्ड एस पर स्वॉप अग्रीमेंट रिसीव फ्लोट एस पर स्वॉप अग्रीमेंट और ये ओरिजिनल वाला सेम वे यहां पे swap, sorry, swap, swap, per, पे फ्लोट एस पर स्वॉप सॉरी पे फ्लोट एस पर स्वॉप रिसीव फिक्स एज पर स्वॉप और पे एज पर यहां पे पे फिक्स टू ओर लैंडर यहां पे एकदम क्लियर कट अपने को अपना ओरिजिनल वाला जो है वो पे करना पड़ेगा सो इन शॉर्ट इन शॉर्ट कोई भी क्वेश्चन होने दो इंटरेस्ट रेट स्वॉप में क्या होता है पता है क्या आप स्वॉप अग्रीमेंट के हिसाब से कुछ पे करेंगे आप स्वॉप अग्रीमेंट के हिसाब से कुछ रिसीव करेंगे और आप आपके ओरिजिनल अग्रीमेंट के हिसाब से पे करेंगे एंड दैट विल बी योर नेट आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया एवरीबॉडी क्लियर है अब कोई भी क्वेश्चन कोई भी रेट उठा लो स्वॉप अग्रीमेंट के हिसाब से पहले आपको मिलेगा तो क्या अग्रीमेंट किया है एक्स वाई जेड फ्लोटिंग देगा एट लाइबोर तो एक्स वाई जेड को हर सिचुएशन में लाइबोर पे करना है थ्री पॉइंट सिक्स मिलेगा और सिक्स उसको देना है समझू विद दिस वी कंप्लीट इंटरेस्ट रेट स्वप विद दिस एग्जांपल आई होप समझ में आ गया होगा अब ये देखो यहां पे मैंने एक एनालिसिस किया है यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस यू विल बी क्लियर अब आते हैं अपन लोग करेंसी स्वप के ऊपर लेट स्टार्ट तो करेंसी स्वप में ऑब्वियसली करेंसी का स्वॉपिंग होता है देखो अपन चैप्टर कौन सा कर रहे हैं अपन चैप्टर कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट का रिस्क किसको होता है या तो जो बोरो करता है या तो जो इन्वेस्ट करता है तो यहां पे भी बोरोइंग और इन्वेस्टिंग का केस है बट इन डिफरेंट करेंसीज आई विल गिव यू अ सिंपल सिंपल एग्जांपल उस एग्जांपल को मैं करूं कनेक्ट करूंगा आपके मॉड्यूल के एक क्वेश्चन के साथ एंड देखना कैसे सिस्टमेटिकली आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सो so, बात कुछ ऐसी है कि मैं हूं मिस्टर ए और मेरा फ्रेंड है मिस्टर बी मैं रहता हूं अमेरिका में और मुझे डॉलर लोन सस्ते में मिलता है बिकॉज मैं अमेरिका का रेसिडेंट हूं बट आई वॉन्ट टू सेटअप अ फैक्ट्री इन जापान तो जैन से मेरे को फैक्ट्री जापान में शिफ्ट uh, करना है तो मेरे को येन का लोन चाहिए ठीक है मेरा फ्रेंड है मिस्टर बी वो रहता है जापान में ठीक है तो उसको जापान का लोन सस्ते में मिल जाएगा जापानीज करेंसी का येन लोन सस्ते में मिल जाएगा बट उसको फैक्ट्री सेटअप करना है अमेरिका में तो कहना इसे अमेरिका का जो लोन है वो उसको महंगा पड़ेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे हाँ नाउ यू आर क्लियर वी विल एंटर इन टू अ करेंसी स्वॉप जहां पे आए मिस्टर ए जो यूएसए में रह रहा है वो उसके लिए यूएस डॉलर का लोन लेगा और मिस्टर बी येन लोन लेगा बट दैट येन लोन इज फॉर मी आई एम टेकिंग द यूएस डॉलर लोन फॉर द फ्रेंड और फिर बाद में जो उन दोनों की करेंसीज है अब ऑब्बियसली एक ने लोन लिया है येन में अब अब क्या हो रहा है देखो मैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का हूं आप जापान के हो तो मैंने डॉलर लोन लिया है आपके लिए अब मैं उसको डॉलर में पे करने वाला हूं करेक्ट आप से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे को पे करो इन द सेम वे आपने जो लोन लिया येन लोन मेरे लिए आप उसको येन में पे करोगे बट उसका इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा सो दैट ऑल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ करेंसी स्वॉप समझ में आया करेंसी स्वॉप क्या होता है लेट्स so, हो जाएगी जैसा अपन लोग का यहां पे केस था वैसा ही सेम केस यहां है तो एक पेमेंट स्वप के लिए करना है एक रिसिप्ट स्वॉप एक का होगा और एक ओरिजिनल जो पेमेंट करना है वो करना ही है ठीक है ना जैसे यहां पे अपन लोग ने सिस्टम सेट किया एक पेमेंट स्वॉप का एक रिसीप्ट स्वॉप का और ओरिजिनल जो पेमेंट करना है वो करना ही है सेम फॉलो यहां पे होगा ए एन बी आई एन सी इंटेंड टू बोरो डॉलर बोरोन सॉरी डॉलर टू लैख एन डॉलर टू लैक इन एन रिस्पेक्टिवली मतलब समझे क्या ए को चाहिए डॉलर टू लैक एन बी को चाहिए डॉलर टू लैख इन एन मतलब सीधा सीधा बोलो ना उसको टू लैक डॉलर इन टू

ए को येन लोन मिल रहा है फाइव परसेंट में बी को येन लोन मिल रहा है एट परसेंट में अब ऐसा सोचो आप बी हो ठीक है आप बी हो आपको येन लोन चाहिए इधर लिखा है देखो बी आई एन सी टू बोरो लोन इन येन रिस्पेक्टिवली तो आप बी आई एन सी हो आपको येन लोन चाहिए आपको येन लोन मिल रहा है कितने में भाई साहब आठ परसेंट में मेरे को मिल रहा है फाइव परसेंट में आप आओगे ना मेरे पास बोलोगे ना ए भाई स्वॉपिंग करवा देना मैं तेरे लिए डॉलर का लोन ले लेता हूं बी आई एन सी ए को बोलता है तो यहां पे देखो ए आई एन सी को डॉलर लोन मिल रहा है नाइन परसेंट में एंड बी आई एन सी को डॉलर लोन मिल रहा है टेन परसेंट में सो so, यहां पे बी बोलता है ए को जाके कि भाई देख मेरे लिए तू येन लोन ले ले मेरे को तीन परसेंट का फायदा हो जाएगा ठीक है ए को डॉलर लोन चाहिए ए को डॉलर लोन नाइन परसेंट में मिल रहा है बी ए को जाके बोलता है कि सुन तेरे लिए मैं डॉलर लोन ले लेता हूं भले ही मेरे को उस पर खाली यहां पे, पे देखो ए को नाइन परसेंट में डॉलर लोन बी को तो डॉलर लोन भी महंगा मिल रहा है फिर भी इट इज बेनिफिशियल बिकॉज ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे थ्री परसेंट का सेविंग्स हो रहा है एंड यहाँ पे वन परसेंट का लॉस हो रहा है तो भी टू परसेंट नेट फायदा हो जाएगा बट ऑब्वियसली अगर बी ए के लिए लोन लेगा टेन परसेंट का तो ए टेन परसेंट तो नहीं देगा सीधी बात बात सी बात है बट सो ए नाइन परसेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं देगा एंड दैट इज द दैट बी विल पे ए आई एन सी एट द रेट वन परसेंट ओवर लोन इंटरेस्ट रेट have द लेटर विल a रिजल्ट ऑफ द agreed करेंसी swap

येन का जो लोन है वो कितने में ले रहे हैं ए आई एनसी पांच परसेंट में ना तो बी बोलता है मैं तेरे को 5 के जगह दूंगा तेरा फायदा तो ये बोलता है वेरी गुड गुड वेल एंड मेरे को तो चलेगा और साथ में बी और एक चीज बोलता है बोलता है कि ये जो डॉलर में लोन मैं तेरे लिए ले रहा हूं ना ये वो वाला लोन भी तेरे को खाली नाइन परसेंट देना है सो so, ए का तो इनडायरेक्टली फायदा हो गया भाई उसको डॉलर लोन मिल रहा है नाइन परसेंट में वैसे भी उसको नाइन परसेंट में ही मिलता था बट उसको अब ये यह लोन लेने पे एक टका एक्स्ट्रा मिल रहा है विच बी इज गोइंग टू बैर सो अब बी नजर से तो उसको एक परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ए को बट उसका सामने थ्री परसेंट से हो रहा है नेट फायदा बी को भी हो रहा है टू परसेंट का एंड ए को भी हो रहा है वन परसेंट का एंड दैट इज वाई अरेंज इसमें ए और बी दोनों को भी फायदा होने वाला है आओ देखते हैं सो so ए क्या करने वाला है ए को डॉलर टू लैख चाहिए जो बी उसके बिहाफ पे ले रहे बी को एन ट्वेंटी फोर लैख चाहिए डॉलर टू लैख इन वन ट्वेंटी वो अपना बात हो गया जिसके लिए ए लोन ले रहे तो ये सिस्टम सेट हो गया ठीक है अब स्वॉप के हिसाब से पे क्या करना है दैट बी विल पे और अदर ए विल रिसीव फाइव परसेंट प्लस एडिशनल वन परसेंट फ्रॉम बी एंड बी विल रिसीव नाइन परसेंट फ्रॉम ए एज पर द स्वॉप अरेंजमेंट अब इसमें तीन चीजें होती है अब एक एंगल से सोचो तीन चीजें क्या क्या होती है पहले स्वॉप का पेमेंट फिर स्वॉप का रिसीव बराबर है थर्ड इज ओरिजिनल जो आपने लोन लिया है उसका पेमेंट आओ देखते हैं ए ने क्या क्या किया है सबसे पहले स्वॉप का पेमेंट तो स्वॉप का पेमेंट मतलब ए के लिए बी ने लोन लिया है कितने में तो ए, तो हम क्या बी विल रिसीव नाइन परसेंट फ्रॉम ए एज पर स्वॉप अग्रीमेंट बराबर है तो ए बी को नाइन परसेंट के हिसाब से देगा देखो देखते हैं कहां पे है वो सो पे ए विल पे टू बी डॉलर टू लैक का लोन लिया है बी ने उसके लिए इनटू टू नाइन परसेंट अगर मैं सब पूरा एन में कन्वर्ट करता हूं सो so, ये गया ए के जेब से ट्वेंटी एज पर द स्वॉप पेमेंट जो अपने को करना था अब स्वाप का रिसिप्ट भी आने वाला है ए को कितना रिसिप्ट आने वाला है तो बी उसको बोला ओरिजिनल अग्रीमेंट है तो ए ने ओरिजिनल किसके साथ किया है ए ने ओरिजिनल ये लोन लिया है एट द रेट फाइव परसेंट अपने बैंकर के साथ वो उसको फाइव परसेंट पे करना पड़ेगा वो उसको फाइव परसेंट पे कर दिया उसने टू फोर्टी येन के ऊपर एक दो तीन तीनों चीजें जब यहाँ पे मेरी हो गई है करके देख लो सेम वे बी का भी सिस्टम सेट हो जाएगा तो बी भी लेंडर को पे करेगा टेन परसेंट के हिसाब से जो उसका ओरिजिनल लोन अग्रीमेंट है बट ए उसको 9% ही देगा तो रिसीव्ड 9% के हिसाब से होगा और उसको ए को जो देना है दैट विल बी एट द रेट 6% जो बोलो का डिसाइड हुआ है सो नेट कॉस्ट टू बी बैठता है $14000 अब अगर ये लोग ने डायरेक्ट लिया होता तो क्या होता ठीक है अगर ए ने डायरेक्ट लिया होता फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से देखना अगर ए ने डायरेक्ट लिया होता तो $2 लाख

एटीन थाउजेंड पढ़ सकता था बट पड़ा है खाली सिक्सटीन थाउजेंड मींस ए है समझे क्या देखनाटी आ जाएगा बी के एंगल से देखो बी ने अभी कितना गया उसका बी के जेब से डॉलर फोर्टीन थाउजेंड अगर वो खुद से लोन लेता अगर वो खुद से लोन लेता तो टू फोर्टी लैख का लोन है इनटू उसको देना पड़ता 8%, है एट परसेंट बराबर है सो नाइनटीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड जाता था अभी उसका कितना गया है 14, उसका भी टू लैख फोर्टी थाउजेंड एन बचा है अगर मैं इसको डिवाइड बाय वन ट्वेंटी करता हूं तो उसका भी डॉलर टू थाउजेंड का सेविंग यहां पे हुआ है समझ में आया यह कैलकुलेशन मैंने ए के लिए किया बी वाला आप लोग खुद से कर सकते हो इसी के साथ आईसीएआई का एक मॉड्यूल क्वेश्चन एंड करेंसी स्वॉप दोनों अपना क्लियर हो गया समझ में आ गया ठीक है दोनों का फायदा करेंसी स्वॉप इज डिजाइन फॉर दैट मेन फंडा स्वॉप में याद रखने का क्या एक स्वॉप का पेमेंट एक स्वॉप का रिसीव और एक जो अपना जनरल अग्रीमेंट किया है उसका पेमेंट किया है, exactly है. तो मैं आप लोग को आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऑप्शन देख लो मेरा वो डिटेल में है दैट विल बी हेल्पफुल यहां पे मैं थोड़ा उसको क्विक लेवल पे करवा दूंगा यहां पे होता है मेरे पास दो चीज एक होता है इंटरेस्ट रेट कॉल जिसको कैप बोलते हैं दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट पुट जिसको फ्लोर बोलते हैं एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल ऑप्शन जिसको हम लोग कॉलर बोलते हैं तो इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन जिसको कैप बोलते हैं वो क्या करता है पता है पता क्या एक कैप लगा देता है कि अब आपको इंटरेस्ट रेट इतना ही पे करना है इसके ऊपर पे नहीं करना है इवन दो मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने दो आपके लिए कैप टोपी लग गया है अब इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट नहीं जा सकता बट ऐसा कैसा सर ऐसा कैसा इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर हमारे लिए नहीं जा सकता है तो इसके लिए आप पे करोगे प्रीमियम जैसे अपन ऑप्शन कॉल में करते थे तो प्रीमियम पे करके मैंने कैप ले लिया है जैसे वहां पे राइट टू बाय लेते थे प्रीमियम पे करके मैंने फ्लोर ले लिया है कुछ भी हो जाए अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है मेरा इंटरेस्ट रेट इस फ्लोर के नीचे नहीं जाएगा भले ही मार्केट का इंटरेस्ट रेट नीचे चले गया होगा अब अगर रियल में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है जैसा मैंने सोचा था तो वो मेरा फायदा माइनस द प्रीमियम अमाउंट बट अगर इंटरेस्ट रेट नीचे गया और मैंने कैप लिया हुआ है देन ऑब्वियसली मेरे को एक्सरसाइज करके फायदा नहीं होगा माय लॉस विल बी माय प्रीमियम अमाउंट समझियो एवरीबॉडी उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कैप सीयर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू गो ऑप्शन यू विल बिकम अ कैप ऑप्शन बायर आपको गेन कब होगा जब एक्चुअल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा जो आपने इंटरेस्ट रेट फ्रीज किया है जो आपने इंटरेस्ट रेट फ्रीज किया है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज प्राइस प्राइस इंटरेस्ट 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 रेट 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 सो व्हेन एक्चुअल इज ग्रेटर देन वी विल से दैट हमारे को फायदा हुआ है अदरवाइज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे लॉस विल बी द प्रीमियम अमाउंट समझ में आया एंड कॉल ऑप्शन सेलर जो होता है जैसे कैप ऑप्शन सेलर होगा उसका केस एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन हमने एक फ्लोर सेट कर दिया है अब मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को इतना मिलेगा भले ही मार्केट नीचे जाए तो अब अगर एक्चुअली मार्केट नीचे गया तो भी मेरे को तो इतना मिलेगा ही मिलेगा ही दैट विल बिकम गेन सो इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट पुट ऑप्शन इफ ऑप्शन बायर का एक्सरसाइज प्राइज इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट देन मेरा गेन होगा अदरवाइज मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो उतना मेरा प्रीमियम का लॉस हो जाएगा एंड वर्सा क्लियर एवरीबॉडी अब यहां पे मैंने क्लासिक एग्जांपल्स लिया है तुम लोगों को समझाने के लिए लेक्चर के बाद तुम लोग भी थ्रू करना मजा आ जाएगा सपोज एसके परचेज डॉलर टू हंड्रेड मिलियन कैप ऑफ नाइन परसेंट एट अ प्रीमियम बाय पेइंग जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स फाइव डॉलर पर डॉलर अब देखो यहां पे इंटरेस्ट रेट अगर नाइन परसेंट से ट्वेल्व परसेंट बढ़ गया और मैंने कैप लिया है तो कहना इसे मैं तो चाहता ही था कि इंटरेस्ट रेट बढ़े इसीलिए तो मैंने कैप लिया है एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप तो अगर ऐसा हुआ तो मेरे को थ्री परसेंट का फायदा बट जो मैंने प्रीमियम पे किया है उतना प्रीमियम मेरा माइनस हो जाएगा आई विल गेट अ नेट गेन ऑफ फोर्टी सेवन लैख कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना एंड यू विल गेट इट देखो इंटरेस्ट रेट मेरा थ्री परसेंट सेव हुआ बेसिकली ऑन डॉलर टू हंड्रेड मिलियन तो डॉलर सिक्सटी लैख प्रीमियम पेड जो बच गया वो नेट गेन गॉट इट गाइस सेकंड फिर बाद में देखो एसके परचेज डॉलर टू हंड्रेड मिलियन कैप एट अ प्रीमियम ऑफ नाइन परसेंट Uh, at a 9% premium pay kiya 0.065 per dollar and also uh, purchase 200 million floor

कैप को एक्सरसाइज करूंगा नहीं सो फ्लोर एट फोर सॉरी एक्सरसाइज करूंगा नहीं ना ये सेकेंड एग्जाम्पल है so, मेरा सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है कि भाई नाइन परसेंट पे मैंने कैप लिया फोर परसेंट पे मैंने फ्लोर लिया मार्केट हो गया ट्वेल्व परसेंट तो जो फ्लोर है उसको मैं क्या बोल दूंगा टाटा बाय बाय सिंस वी वांट द रेट्स टू गो डाउन एंड सिंस रेट्स हैव गॉन अप वी विल नॉट एक्सरसाइज लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम बट मैंने कैप लिया हुआ है ना बच्चा तो मैंने अगर कैप यहां पे लिया हुआ है तो मेरा कैप 9 टू 12 में मेरे को इतना फायदा हो रहा है तो ये फायदा फ्लोर का प्रीमियम लॉस नेट गेन हो गया मेरा 332000 डॉलर और इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू वन परसेंट तो मैं कैप को एक्सरसाइज नहीं करूंगा उतना जो मेरा प्रीमियम है उतना लॉस हो जाएगा और फ्लोर जो मैंने सेट किया हुआ है पे 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 अब मैं इन्वेस्ट करूंगा दुनिया तीन परसेंट का मेरे को एक्स्ट्रा फायदा है एंड दैट माइनस प्रीमियम विल बी माय नेट गेन एंड वो मैंने यहां पे रिफ्लेक्ट कर दिया है अब ये अंडरस्टैंडिंग इन दोनों का अगर मैं ऑप्शन लेता हूं मतलब उसको बोलते हैं कॉलर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बहुत क्लियर हूं कि मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ने ही वाला है तो मैं कैप तो ले ही लूंगा साथ में मैं फ्लोर सेलर बन जाऊंगा बराबर ना फ्लोर आप कब बाय करते हो वेन आर एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट टू गो डाउन फ्लोर सेल कब करोगे आप यू एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स टू गो अप तो मैं यहां पे क्या कॉम्बिनेशन लूंगा उसको बोलता है कॉलर तो अगर मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है कैप प्लस फ्लोर सेल अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है फ्लोर प्लस कैप सेल समझ में आया एवरीबॉडी सो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय कैप ऑप्शन सेल फ्लोर ऑप्शन समझियो एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट सेल कैप ऑप्शन बाय फ्लोर ऑप्शन आया ऐसा सिचुएशन बनता है इसको बोलते हैं कॉलर क्या बोलते हैं इसको कॉलर यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉ इन योर कन्विक्शन मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाने ही वाला है मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाने ही वाला है एकदम मतलब कन्फर्म यूज ना तो बॉस कॉलर ऑप्शन सेट कर दो लाइफ आपका सेट हो जाएगा ठीक है सो so, इसमें ये करके फायदा क्या होता है देखो एक आपने कॉल ऑप्शन बाय कैप ऑप कॉल बोलो कैप एक आपने कैप ऑप्शन बाय किया उसके लिए कुछ प्रीमियम पे किया आपने फ्लोर ऑप्शन सेल किया जब आप फ्लोर ऑप्शन सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिल रहा है तो ये जो जो प्रीमियम है ना ये ऑफसेट हो जाता है ठीक है ये प्रीमियम ऑफसेट हो जाता है उसकी वजह से जो कैप ऑप्शन का जो मेरे को बेनिफिट है ना दैट विल बी वेरी हाई अदरवाइज कैप ऑप्शन के बेनिफिट में से जब वो प्रीमियम माइनस हो जाता है तो इतना कुछ बचता नहीं है बट अब मेरा ये प्रीमियम मेरे फ्लोर ऑप्शन के सेल करने की वजह से उतना ऑफसेट हो गया मेरे को कैप ऑप्शन के जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसके से जो फायदा होगा ना दैट विल बी ह्यूज बट एज आई टोल्ड यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्विंस सो कॉलर ऑप्शन इज वेरी श्योर ऑफ मार्केट मूवमेंट कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट नलिफाइज द प्रीमियम देयर बाय मैक्सिमाइजिंग गेन्स ऑन प्रिडिक्टेबल मार्केट मूवमेंट समझ में आ गया इसके लिए भी आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बाय कैप एट नाइन परसेंट एंड सेल फ्लोर एट फोर परसेंट और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो दोनों केस में फायदा ही फायदा होगा बट इफ इंटरेस्ट रेट फॉल्स देन इन दैट केस लॉस भी उतना ही बड़ा होगा बट ऑब्वियस बात है क्योंकि आप तो कैप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे और प्रॉबेबली फ्लोर एक्सरसाइज करोगे सामने वाला करेगा भी एक्सरसाइज तो आपको उतना लॉस बेयर करना पड़ेगा समझू सो इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ मार्केट मूवमेंट्स यू कैन गो फॉर अ कॉलर ऑप्शन अदरवाइज आप लोगों के पास ऑप्शन ऑप्शन इज 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 फ्लोर एंड कॉल कैप ऑलवेज अवेलेबल इसी के साथ मेरा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी कंप्लीट होता है आई होप समझ में आ गया होगा अब एक फॉर्म्यूला है प्रीमियम पेएबल ऑन ऑप्शन का यह मैंने क्यों इधर लिखवाया क्योंकि इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है आईसीए का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आईसीए का तो एज इट इज क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे उठाया है तो वो क्वेश्चन में वो लोग क्या बोलते हैं कि अपने को प्रीमियम पेएबल टू बैंक फाइंड करना है तो उसके लिए ना बहुत सिंपल सा एक फॉर्म्यूलाई एफ आई परसेंट टी इन टू ए तो वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं तो प्योर फॉर्मूला को पुट अप करना है कौन सा फॉर्म्यूला दो आईसीआई ने दिया है बट अपने को खाली एक ही फॉर्मूला यूज करना है एंड अपना आंसर आ जाएगा एंड दैट इज दिस फॉर्मूला ए जितना भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है सो so अपन ने कितना बॉरो किया है यहाँ पे 15 मिलियन सो योर ए प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय आरपी रिस्क प्रीमियम कितना प्रीमियम का परसेंटेज है अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा द लमसम प्रीमियम इज वन परसेंट तो यहाँ पे आप लोग यूज कर लोगे जीरो पॉइंट जीरो वन इसको बोलते हैं आरपी रिस्क प्रीमियम इनटू ए अपॉन पीवीएफ एफ थ्री पॉइंट फाइव परसेंट फॉर कितना ट्वेंटी फोर मंथ तो पे ट्वेंटी मंथ्स के लिए छह छह महीने का आ, ये है ये देखो इधर

टाइम्स जब आप करोगे अपने कैलकुलेटर पे आपको ये चार नंबर्स आ जाएंगे उसको ऐड करना है जो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर आप करते हो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो ऊपर प्रीमियम का अमाउंट है सो फॉर्मूला विल बी आरपी प्रीमियम इनटू ए जो आपने अमाउंट बोरो किया है प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन पीवी PVAF will be for PVAF will be for I percentage which is the interest rate एन टी टाइम छ महीने का पीरियड तो चार बार आप करने वाले हो एन थ्री पॉइंट फाइव परसेंट क्यों क्योंकि सिक्स मंथ के हिसाब से आपका यह आ जाएगा तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो प्रीमियम कैलकुलन यू शुड नो फॉर्मुला विल बी ए इन टू आर पी अपन पीवीएफ जो भी आई परसेंटेज है जो भी टाइम पीरियड टी है उससे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर पाओगे एंड वी आर कमिंग टू द लास्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ये तो पब्लिक को समझ में नहीं आता है या पब्लिक करता ही नहीं है अब सुनो मैं बता हूं क्या करना है अगर आपको आपने लोन लिया है तो आपको क्या डर लगता है मैंने लोन लिया है तो मुझे डर लगता है कि यार इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो सो so, ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट कर दो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को एंड वर्सा अगर आपने इन्वेस्टमेंट लिया है तो आपको क्या डर है दैट इंटरेस्ट रेट्स में फॉल ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग कर दो फ्यूचर्स को बट इसमें सिस्टम कैसे वर्कआउट होता है वो मैं आपको बताता हूं देखना इधर सो से आपने लोन लिया है लोन टेकन तो आपको डर क्या है दैट इंटरेस्ट रेट्स इंटरेस्ट रेट्स में गो अप इंटरेस्ट रेट्स में गो अप सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है पता है क्या आपको करना है शॉर्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है कैसे अब यहां पर सिर्फ और एग्जाम्पल जब मैंने लोन लिया तब इंटरेस्ट रेट था फाइव पॉइंट वन फोर परसेंट फाइव पॉइंट वन फोर परसेंट सो so नाउ अगर मैं वो टाइम पे शॉर्ट कर रहा हूं सो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का सिस्टम क्या पता है है पता क्या 100 माइनस जो भी रेट चल रहा है वो उस हिसाब से वर्कआउट होता है तो 100 माइनस फाइव कितना हुआ 100 माइनस फाइव हुआ 94.86 तो आपने 94.86 में शॉर्ट कर दिया है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को अब फ्यूचर्स तो कभी भी ऑफसेट लॉन्ग करके ही होता है तो अब आप लॉन्ग करोगे आईआरएफ को कब एट मच्योरिटी एंड समझो एट मेचोरिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया टू से सिक्स पॉइंट वन फोर तो अब ये कितना हो जाएगा हंड्रेड माइनस सिक्स पॉइंट वन फोर दिस इज आउ द इंटरप्रिटेशन इज तो हंड्रेड माइनस सिक्स पॉइंट वन फोर तो ये कितना हो गया नाइनटी थ्री पॉइंट एट सिक्स एंड आपको अगर ये बढ़ गया होता 6.14 हो जाता है तो आपको तो लॉस होने वाला था बट अब वो लॉस आपका ऑफसेट हो गया थोड़ा सा बट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ऐसा ही होता है जो इंटरेस्ट रेट है तो उस पर आप हंड्रेड माइनस दैट इंटरेस्ट रेट करते हो बट याद रखना मेन क्या है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग देखो डिटेल वीडियो में आप देखोगे तो मैं आपको और डिटेल में हो जाएगा बट पे अभी अपने को क्या करना है क्विक फायर रिवीजन तो क्विक फायर रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है शॉर्ट कर दो फ्यूचर्स को अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है लॉन्ग कर दो फ्यूचर्स को तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ऊपर जाने वाला है तो अभी आपने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर में अगर वो ऊपर गया तब आप लॉन्ग कर दोगे यहां पे रिवर्स इंपैक्ट आता है क्यों बिकॉज़ 100 माइनस आप कर रहे होते हो सो so देयरफॉर आपने शॉर्ट किया है 94.86 पे आप लॉन्ग करोगे 93.86 पे यू आर मेकिंग अ गेन समझ में आया एंड दैट इज व्हाट द एग्जांपल हियर इज गिवन अबाउट सो इफ द अगर फर्म को डर लग रहा है दैट द इंटरेस्ट रेट वुड इंक्रीज इन फ्यूचर फर्म वुड सेल IRF एट 94.86 कैसे आया करंट रेट जो है वो 100 माइनस करंट रेट हो जाता है फिर आप लॉन्ग करोगे वो इंक्रीज रेट के ऊपर से 6.14 के ऊपर एंड द डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट बट वो 100 माइनस कर रहे हैं ना इसके लिए यहाँ पे वो थॉट प्रोसेस रिवर्स हो रहा है राइट right? अच्छा कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना है जैसा अपन लोग फ्यूचर्स में लेते थे जो भी लोन अमाउंट है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू लोन पीरियड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन फिर जैसा अपन लोग ने यहां पे किया आई आर एफ प्राइज एट मेच्योरिटी प्राइज फ्रीजियर तो जो भी अपना गेन लॉस परसेंटेज आएगा प्लस अपने को जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट देना है तो एक्चुअल में देना है 6.14 मेरे को 1 परसेंट का गेन हो गया है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की वजह से नेट मेरे को 5.14 चाहिए था और उतनी उतना ही इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं आई होप वी आर क्लियर सो दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स फुल सि सिस्टमेटिकली एग्जाम्पल्स के साथ भर भर के रिवीजन में भी आप लोग को मैंने ये IRRM का टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया है यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स कैसा लगा लाइक like करना है एंड विदाउट फेल मुझे बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए यही क्लैरिटी के साथ इन टर्म्स ऑफ रिवीजन एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट एक या दो बार मेरे ये सेशन को सुन लेना एफ आर ए फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट ऑप्शन कॉल आई मीन कैप फ्लोर कॉम्बो कॉलर जो अपन लोग ने किया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट स्वॉप करेंसी स्वॉप एवरीथिंग डन एंड ट्रस्टेड टाइम फॉर मीडू से सो आई होप सब चीजें क्लियर हो गई होगी कीप स्माइलिंग सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सच नोट्स टेक केयर बाय